हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे डेडपूल 3 की टाइमलाइन के अपडेट के बारे में। बट सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 देखा है एक्समैन की टाइमलाइन का, जिसमें कि मैंने पूरा एक्समैन यूनिवर्स अच्छी तरीके से समझाया है, तो आप वीडियो को पहले जाके देखिए, आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। उस आदमी का नाम नहीं बता सकता, पर नाम मेल खाता है वुल्वरीन से। एक और बात, उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। तो अगर आपने एक्समैन की टाइमलाइन वीडियो देख लिया होगा, तो ये है पार्ट 2, जिसमें कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डेडपूल 2 के बाद जिसकी टाइमलाइन थी साल 2018 की, फिर उसके बाद हमने देखी थी लोगन जिसकी टाइमलाइन थी साल 2029 की। तो आप सभी जानते हैं कि हाल ही में डेडपूल अनाउंस भी हुई है 3, और उसकी टाइमलाइन क्या है, तो इसी चीज को आज एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमने लोगन मूवी देखी थी जिसकी टाइमलाइन थी साल 2029 की, जिसमें कि हमें दिखाया गया कि लोगन काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है और एंड ऑफ दी हमने देखा कि वो मर चुका है और सारे जो म्यूटेंट बच्चे हैं वो भाग चुके हैं। ये चला था एक अल्टरनेट यूनिवर्स में। अब आपको वही सेम वुल्वरीन देखने को मिलेगा, वो भी एक यंग अवतार का, यानी कि वो मिलेगा आपको साल 2018 के बाद वाला। जी हाँ, अब वो कैसे, अब डेडपूल 2 की जो टाइमलाइन थी वो साल 2018 की थी और लोगन की टाइमलाइन थी साल 2029 की। तो मेरे हिसाब से जो मेरी थ्योरी कहती है कि साल 2018 के बाद डेडपूल ने टाइम ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। उसके पास केबल की डिवाइस आ चुकी थी जो कि वो हाथ में पहनकर कहीं पर भी आ जा सकता था। तो उसका साफ मतलब यही है कि उसने टाइमलाइन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है, और जैसा कि हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला ही था डेडपूल के, जिसमें कि डेडपूल ने अपने प्रीवियस वर्जन को मार दिया और हमारे डेडपूल ने हद तो तब पार कर दी जब उसने फोर्थ वॉल को ब्रेक एक एक्सट्रीम लेवल पे कर दिया। उसने टाइम ट्रैवलिंग करी और अपने ही कैरेक्टर प्ले करने वाले रियान को मार दिया, जिसमें कि वो ग्रीन लैंटर्न की स्क्रिप्ट को साइन करने वाले थे। ये रणवीर क्या कमाल का एक्टर है यार। भारत माता की जय। जैसा कि आप सब जानते हो कि एमसीयू में भी टाइम का बहुत बड़ा लोचा चल रहा है, और यहाँ पर डेडपूल भी अपने यूनिवर्स में बहुत बड़ा लोचा कर रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तो यहीं पर साल 2018 के बाद जब डेडपूल टाइम ट्रैवलिंग करने लगेगा और कुछ गड़बड़ होने लग जाएगी, तो कोई ना कोई म्यूटेंट आकर उनको परेशान करेगा, या फिर कह सकते हो कैंग भी हो सकता है। ये मेरी थ्योरी है। और वहाँ पर डेडपूल को ज़रूरत पड़ेगी वुल्वरीन की, जो कि अपनी ही मस्ती में मस्त है, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है। और यहाँ पर जब डेडपूल उसकी मदद मांगने आएगा, तो यहाँ पर वुल्वरीन क्लियरली मना कर देगा, उसे डिनाई कर देगा। क्योंकि मना करेगा, क्योंकि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि आपने देखा होगा एक्समैन फर्स्ट क्लास में, जब मैग्नेटो और प्रोफेसर एक्स उससे मदद मांगने आए थे, और उसके बाद जब वुल्वरीन की ओरिजिन मूवी देखी होगी आपने, जिसमें कि स्ट्राइकर सेकंड टाइम उससे मदद मांगने आया था, तो उसने क्लियरली मना कर दिया था। बट हाँ, बाद में वो एग्री हो गया। Excuse me, I'm Eric Lentra. Charles Xavier. Go fuck yourself. इसी मुठभेड़ में जब डेडपूल वुल्वरीन से मदद मांगेगा और वुल्वरीन क्लियरली मना कर देगा, तो शायद इनके 2-3 एक्शन फाइट सीक्वेंस देखने को मिल सकते हैं हमें, जो कि बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। और जब लोगन को लगेगा, यानी कि हमारे वुल्वरीन को लगेगा कि एक्चुअल में टाइम ट्रेवलिंग का बहुत तगड़ा लोचा चल रहा है, तो तब वो मिलकर टीम अप बनाएंगे और फाइनली हमें वो आइकॉनिक मूवमेंट देखने को मिलेगा वुल्वरीन और लोगन का, जो कि हर एक फैन देखना चाहता है। और कहीं ना कहीं ये टाइमलाइन मेरे हिसाब से हो सकती है कैंग के मरने के बाद की, जब स्लेव ने कैंग को मार दिया था, और वहीं पर ही टाइमलाइन का क्लैश हुआ होगा, और यहीं पर डेडपूल और शायद वुल्वरीन एमसीयू में एंटर कराए जा सकते हैं मूवी के एंडिंग में। मेरे हिसाब से साल 2018 और साल 2029 के बीच में डेडपूल की 3 की जो टाइमलाइन हो सकती है, वो हो सकती है साल 2024 या 25 की, क्योंकि डेडपूल 3 साल 2024 में रिलीज हो रही है। तो ये उसी टाइमलाइन को लेके चलेंगे टाइम ट्रैवलिंग के कॉन्सेप्ट में। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उसी के साथ अगर आपको एक्समैन टाइमलाइन की वीडियो देखनी है, तो आपको राइट एंड पे मिल जाएगी। थैंक यू केविन फाइगी, लव यू केविन फाइगी, थैंक यू एमसीयू।